न्यूज वर्ल्ड का विशेष चुनाव कार्यक्रम की बार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं मैहर विधानसभा में, जहां पे हम यहां बात करेंगे यहां के प्रतिनिधियों से और जानेंगे जनता के सवाल और दागेंगे जनता के सीधे सवाल यहां के प्रतिनिधियों से। मौजूद है, एक बार जोरदार जनता जनार्दन का स्वागत करें। चलिए, चूंकि अब बात करते हैं मुद्दों की। प्रदेश में 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है, तो सबसे पहला सवाल बीजेपी प्रतिनिधि से यहां पर करेंगे। कमलेश जी, अगर बात की जाए यहां पर 15 साल से भाजपा का प्रदेश में कब्जा रहा है, क्या उपलब्धियां रही हैं मैहर विधानसभा के लिए, जो यहां की जनता उन उपलब्धियों के मद्देनजर आपको वोट दे, क्यों दे वोट आखिर? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद यूं तो हमने सबका साथ और सबका विकास का नारा लेके पूरे मध्य प्रदेश का विकास किया है, लेकिन जिन विशेष बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा जो मैहर के लिए हैं, चाहे वो हमारे रेलवे के ऊपर बनने वाला ओवरब्रिज हो, चाहे 160 बिस्तर के अस्पताल का विषय हो और चाहे मिनी स्मार्ट सिटी का जो विषय है, वो सारे मैहर में नगर के अतिरिक्त हमारे सरकार ने तीन तीन जगह महाविद्यालय, नादन में महाविद्यालय, बदेरा में महाविद्यालय, अमदरा में महाविद्यालय, एक बहुत ही बहुआयामी योजना कि बरसागर के द्वारा पूरे मैहर विधानसभा क्षेत्र में एक एक घर घर पानी पहुंचाने की योजना, जिसका टेंडर हो गया है और जिसका सर्वे का कार्य चल रहा है, और ये सारी योजनाओं को लेके हम विकास के मुद्दे को लेके और जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जीतेगी। बीजेपी के दावों में जो दावे यहाँ पर बताती नजर आ रही है बीजेपी। हाँ, बीजेपी के भाई साहब ने जो बताया उनमें वादों में, घोषणाओं में, तो योजनाओं में तो पूरी सच्चाई है, लेकिन हकीकत में पूरा झूठा है। लोग मुख्यमंत्री को अब ये कहने लगे हैं कि योजना वीर, घोषणा वीर, क्या क्या नाम उसका देने लगे हैं। इतनी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने पिछले उपचुनाव में की, अगर उसका 50% भी पूरा कर दिए होते तो मेरे भाई जो अभी बोल रहे हैं इनको जरा से भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या माना जाए, भाजपा को या मैहर विधानसभा में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? इनके झूठे वादे, झूठे घोषणाओं की वजह से इनको कड़ी मशक्कत नहीं, कितनी भी मशक्कत कर लें, जनता जनार्दन इनको अब जान चुकी है, पहचान चुकी है, इनके झूठों वादों को अच्छी तरह समझ चुकी है, इसलिए अब इन पे भरोसा जनता मैहर की करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी पर साफ साफ वादा खिलाफी का और बात करें घोषणावादी का आरोप लगाते हुए यहाँ पर है। समाजवादी पार्टी से रुख करते हैं सुनील तिवारी जी का। सुनील तिवारी जी, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2003 के चुनाव में जीत चुकी है, नारायण त्रिपाठी जो वर्तमान में भाजपा में है अभी वो जीत चुके हैं यहाँ पर, तो क्या माना जाए कि 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ मैदान में आएगी और भाजपा को कैसे पीछे करेगी? देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी जो है क्षेत्र की जो स्थानीय समस्याएं हैं, क्षेत्र के जो स्थानीय मुद्दे हैं, बेरोजगारी पहला मुद्दा है, भ्रष्टाचार यहाँ दूसरा मुद्दा है और तीसरा मुद्दा है इनकी वादा खिलाफी। हम ये तीनों चीज जनता के बीच लेके जा रहे हैं और जनता हमें भरपूर प्यार दे रही है, हमको भरपूर सुन रही है। भाई साहब ने कहा 160 बिस्तर का अस्पताल, आज तक हड्डी का एक डॉक्टर नहीं दे सके ये मैहर को, और 160 बिस्तर अस्पताल की बात करते हैं। मऊदाह से बरगी का पानी यहां लाने वाले थे बाणसागर का, ये तो हर क्षेत्र में पीछे हो गए, अब कहीं नहीं है। उस बार साइकिल से नारायण जीते थे, इस बार साइकिल से रामनिवास उर्मलिया जीतेंगे और ये दोनों हारेंगे। वो पार्टी पकड़ के रखती है और नेता तो कभी विधवा होते नहीं है, इनका सुहाग अमर रहता है, ये जब चाहे तब चले जाते हैं पार्टी छोड़कर। कल तक बोलेंगे ये हमारी माँ है, उसके बाद उस माँ को छोड़ा और फिर चले गए वहाँ। कहते हैं ये तो 11 दिसंबर के परिणाम ही बताएंगे कि मैहर की जनता क्या चाह रही है, और मैं आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूँ कि मैहर की जनता इस बार इन पूंजीपतियों को जोरदार जवाब देगी। दूसरा, ये जो अभी भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी के प्रवक्ता ने जो कहा कि मैहर का विकास या विनाश,
ये पहले खुद डिसाइड कर ले कि किस पार्टी ने किया है या किस व्यक्ति ने किया है। हमारे सीधे सीधे मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं। हम इन्हीं स्मार्ट सिटी की बात नहीं करते हैं। सीधे रुख करेंगे एमपीजेपी पार्टी के विपिन कुमार पांडे जी का। किन मुद्दों को लेकर आप मैहर विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं? हमारे भाई आम आदमी पार्टी के पुष्पेंद्र सिंह से कुछ बातों पे तो मैं सहमत हूँ, ठीक है। अब रही बात जो मुद्दे हैं, अब मुद्दे हम लोगों ने बहुत पहले ये आज साल भर से ये चला रहे थे कि मैहर में जो लॉ एंड आर्डर है, हमारे मैहर में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, मैहर की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम भी हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ ये सड़कें जो हैं ग्रामीण सड़कें, ग्रामीणों में सड़कों का अभाव हो गया, पता चला कि वो कागजों में तो बन गई। स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं गाँव में, स्वास्थ्य की सुविधाएं अभाव है, और पता चला कि अगर कहीं कोई छोटा सा भी घाव हो जाए, छोटी से चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आते आते वो आदमी मर जाए। प्रेगनेंसी के आप उसमें तो और भी केसेस में देखा गया है कि महिलाओं को रास्ते में ही गर्भपात हो जाता है। वही जो है यहाँ घुनवारा में जब उपचुनाव में शिवराज सिंह जी आए थे तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी, इतनी घोषणाएं की थी कि हम सोनवर्षा तक रोड ले जाएंगे, सोनवर्षा की रोड गायब है। उसके बाद वहाँ आईटीआई कॉलेज खोला गया, मिनी स्मार्ट विलेज बनाया गया, वो मिनी स्मार्ट विलेज खत्म हो गया, मैहर का मिनी स्मार्ट शहर कह जाने लगा। हमें तो आज तक नहीं पता चला कि मिनी स्मार्ट है कहाँ, ये मिनी स्मार्ट है क्या है। पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को डायवर्सन नहीं मिल पा रहा है, मैहर में परमिशन नहीं हो रही है, व्यक्ति अपना विशेषता खुद ही स्वतः अपना निर्माण कर सकता है, लेकिन पार्टियों ने ऐसा रच व्यू दिया है कि किसी का काम नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो दिल्ली में बैठी सरकार हो, ये सभी अपनी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, वजूद बनाए रखने के लिए ऐसे समय में आ तो जाती हैं, लेकिन ये सब संस्कारहीन पार्टियां हैं, इनका कोई अब संस्कार नहीं रह गया है, इसलिए ऐसी पार्टियों को टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। भाजपा से हैं आप, पांचों प्रत्याशियों ने अपने मत रखे हैं, आपके विचार से आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, किनके बातों में सच्चाई है? भाजपा के बातों में सच्चाई है, 15 साल में इतने काम हुए हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, ना हुआ काम बताइए। इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, न लाइट था, ना बिजली था, ना पानी था। आप स्वयं बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए ईमानदारी से, लाइट थी, बिजली था, पानी था? आज रोडें हैं, पानी बिजली है, पढ़ाई की स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य केंद्र है, क्या है क्या नहीं? बिल्कुल, जो कुछ है भाजपा की देन है, मैया यहाँ पर पूरे नहीं हो पाए हैं। जो भी हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 15 साल थे, अभी 5 साल थे हमारे माननीय नारायण त्रिपाठी जी, पूरा काम करवा रहे हैं। यहाँ आप जहाँ खड़े हैं, 15 साल पहले रोड नहीं थी, आज के डेट में यहाँ रोड बन गई है, इससे हमको और क्या चाहिए? विकास हुआ है, भाजपा के राज्य में विकास हुआ है। हमारे भी जो कुछ दादाजी दिख रहे हैं उनसे पूछते हैं, आपका नाम? प्रहलाद पटेल धतूरा। क्या स्थानीय मुद्दे हैं मैहर विधानसभा के? विधानसभा में माना अच्छा काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हम दिया छाप के जनसंघ के आज तक जुड़ा रहा, जुड़े रहूंगा, अच्छा विकास हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पर विकास हुआ है। कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद, उनसे जानते हैं क्या मुद्दे हैं यहाँ के, स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे जो भी हैं सब पूरे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा कर रही है, पूरी अपनी उससे लाइट बिजली पानी की फुल व्यवस्था, लाइट बिजली पानी की फुल व्यवस्था, मेरे रोड भी धीरे धीरे कम्प्लीट होती जा रही। मतलब देखा जाए तो जनता भाजपा के शासन से खुश है, लेकिन और भी लोगों से जानेंगे यहाँ पर। चलिए आप, हाँ चलिए दादाजी, आपका नाम? जब्बार खान। यहाँ पर क्या कमियां नजर आती हैं इस विधानसभा क्षेत्र में? बहुत कमी भैया, आप खुद देख रहे हैं आप है? क्या आप बताइए ना क्या कमियां हैं? देखिए ना, यहाँ पे हम लोग ऑटो चलाते हैं, यहाँ पे यात्री हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर बच्चे लिए मुंह में बैग लिए ऊपर जाते हैं पैदल है, लड़के रो रहे हैं, घसीटे हुए बच्चों को लेकर जा रहे हैं, ऑटो हम लोग के पहले अंदर तक जाती रही भैया, इस तरह हम लोग के ऑटो 1 किलोमीटर यहाँ रोक देते भैया, लोग बहुत परेशान है भैया। कहीं ना कहीं ऑटो संचालक में नाराजगी दिखाई दे रही है उनके लिए, जमीनी हकीकत पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। यहाँ पर सीधे भाजपा से रुख करेंगे, ऑटो ड्राइवर, ऑटो संचालक ने आपने आप पे आरोप लगाए हैं कि उनके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। ऑटो संचालक का एक रूट चार्ट बना हुआ है, उनके रेलवे स्टेशन से लेके और देवी जी तक हर जगह उनके पहुंचने की व्यवस्था है, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैं तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो हम पर आरोप लगाए हैं कि हम लोग घोषणावीर हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही मैहर है कि जब मैहर से हमें सतना जाना पड़ता था तो यहाँ के लोग
35-40 किलोमीटर का फेरा लगा के सतना जाते थे। आज मैहर से सतना का रोड की बात की जाए, आज रीवा टू जबलपुर NH7 का 4 लाइन बन रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चौमुखी विकास हुआ है। जहां तक मिनी स्मार्ट सिटी का विषय, मिनी स्मार्ट सिटी हमारे यहां सेंक्शन है क्यों मित्रों? मैं आप सबसे जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या मिनी स्मार्ट सिटी यहां सेंक्शन है? अमदरा में महाविद्यालय चल रहा है नहीं चल रहा है? नादान में चल रहा है नहीं चल रहा है? बदेरा में चल रहा है नहीं चल रहा है? 160 बिस्तर के अस्पताल का भवन का निर्माण कार्य शुरू है कि नहीं है? पब्लिक से पूछे आप। चलिए पब्लिक से रुक करते हैं, छात्रों के हित को देखकर बात करते हैं कि छात्रों के लिए क्या योजना है यहाँ पर। आपका नाम? रिक्की। छात्रों के लिए यहाँ पर क्या मूलभूत सुविधाएं वर्तमान सरकार के द्वारा दी गई हैं या नहीं दी गई हैं, क्या राय है आपकी? सब तो काम ही हो रहा है, सब हो रहा है। चलिए और कोई छात्र मौजूद है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार है वर्तमान में, उसने आप लोगों के लिए काम किया, छात्र हित में काम किया है क्या? किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देख पा रहे हैं कि छात्र हित को लेकर काम कर रहे हैं। चलिए कुछ यहाँ पर समाजवादी लोग बैठे हैं, उनसे जानते हैं भाजपा जो दावे कर रहे हैं, जो जनता दिख रहे हैं, जनता का जो सहयोग मिल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सब भाजपा, जो हमारे भाजपा के प्रतिनिधि आए वो सब लेकर अपने साथ लेकर आए, पर सच्चाई है क्षेत्र में घूम रहे हैं कि बहुत न सड़कें हैं न पानी की व्यवस्था है, तमाम खोखले वादे करे हुए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने और प्रत्याशी जी ने, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम लगातार पूरे समाजवादी पार्टी के टाइम में 2003 से ये विधायक रहे थे और इस बार समाजवादी पार्टी के राम निवास उर्मल्या जी यहाँ से विधायक बनेंगे। बिल्कुल देखा जाए तो 2000 ये जो सतना क्षेत्र है ये यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो बसपा हो या सपा हो, वो यहाँ से एक बार 2003 के चुनाव में जीत भी चुकी है और अपनी जमीन खंगालते हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में भी मेहनत कर रही है जनता। और भी कुछ मौजूद है? चलिए हमारे भी जो चौथा स्तंभ बैठा हुआ, उनसे जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे यहाँ के विधानसभा को लेकर, कितना विकास हुआ है, कितने इनके जो वादे हैं वो सच्चाई में तब्दील हुए हैं। सतना जिले में तो मैं भाजपा को लेकर एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाजपा ने विकास तो बहुत किया है, धूल के कारण दिखता नहीं है। बहुत बढ़िया बात, विकास तो हुआ है लेकिन धूल के कारण दिखता नहीं है। और भी यहाँ पे चौथे स्तंभ बैठे हुए, उनसे जानते हैं, आप लोग फील्ड पर रहते हैं, मेरा सवाल आपसे, आप फील्ड पर रहते हैं, जो यहाँ पे सारे दल खड़े हुए हैं, कितनी सच्चाई नजर आती है भाजपा या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के बातों में? इस बार के चुनाव में जो देखने मिल रहा है, जनता बड़ी स्मार्ट हो गई है और सांसें थाम के बैठी है कि कहाँ मतदान करें, डिसाइडेड किया हुआ लोगों ने, और वो रुझान 28 तारीख को दिख जाएंगे हम सबको कि पलटी जनता ने कहाँ मारी है, विकास की तरफ कि जो अब होने वाला विकास की तरफ। निश्चित तौर पर परिवर्तन होने वाला है, कुछ ऐसी संभावना है। बिल्कुल, चलिए कुछ बोलना चाहते, युवा बोलना चाहते, कुछ युवाओं को करते हैं, बताइए। एक मुद्दा आया था कि मैहर मिनी स्मार्ट सिटी घोषित है, कुछ काम नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, शायद आप बाहर से आपको पता नहीं है, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय संत राम सिंह जी के सुपुत्र, उनको ही मिनी स्मार्ट सिटी का ठेका मिला हुआ है और उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। दूसरा MP JVP के कैंडिडेट विपिन पांडे जी, बड़े भाई हमारे, उन्होंने बोला संस्कारहीन पार्टी है भाजपा। अभी कुछ देर पहले शायद कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा, उनके संस्कार देखने को मिला हमको, एक बुजुर्ग आके उनके पैर छू रहा था और उन्होंने जो है उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। और ये वो संस्कार की बातें करते हैं, ये संस्कार की बातें करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार पे उंगली उठाएंगे ऐसे लोग? धन्यवाद। निश्चित तौर पर संस्कार का रास्ता दिखाने वाले विपिन पांडे जी खुद संस्कार विहीन है, ऐसा आरोप उनका है। चलिए यहाँ पे कोई व्यवसायी है क्या मौजूद? व्यवसायी, चलिए व्यवसायी, व्यवसायियों से रुक करते हैं, व्यवसायियों के लिए भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं वो सही हैं या नहीं है? बहुत अच्छी है, मैं सराफा व्यवसायी हूँ, सीधे सीधे आपको बता दूं, पहले जमाने में मैं लिमिट बनवाने के लिए बैंक जाता था तो मुझको लिमिट बनाने के लिए मुझको गारंटी देनी पड़ती थी। हमारे शिवराज मामा ने ऐसी स्कीम दी कि 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिलता है। युवा उद्यमी के माध्यम से मैं अभी प्रयासरत हूँ, मेरा 25 लाख रुपए का एक लोन होने वाला है, उसकी गारंटी भी कौन ले रहा है? हमारे मोदी जी। तो मोदी जी और शिवराज जी जो देने का काम कर रहे हैं, आज तक यथार्थ में कभी भी ऐसा संभव नहीं हुआ कि बिना गारंटी के बैंक कभी लोन दे दे। उसमें सब्सिडी मिल रही है, उसमें ब्याज की भी छूट मिल रही है। कौन कहता है व्यापारियों, ये व्यापारी की ही सरकार है। और सुनिए,
आपको बताना चाहता हूँ, जीएसटी और नोटबंदी, जीएसटी और नोटबंदी से कोई फर्क नहीं हुआ। आज हमको मोदी जी ने स्वाभिमान से जीने का हक दिया है। आज हम हक से कहते हैं, आज हम जीएसटी पेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो किसने दिया, किसने सिखाया? मोदी जी एक आदमी को हक से अपने शान से जीना सिखा रहे हैं। हर पूरा का पूरा व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम सब भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार बनेगी। जीएसटी एक अच्छा विकल्प था, सीधे कांग्रेस का रुख करेंगे, सीधे कांग्रेस का रुख करेंगे, जीएसटी एक अच्छा विकल्प है, क्या कहना कांग्रेस का? जीएसटी विकल्प अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी मेरे एक भैया ने स्मार्ट सिटी के बारे में कहा कि मेरे पुत्र को ठेका मिला है। मैं कहता हूं कि मेरे पुत्र को ठेका मिला और मेरा पुत्र काम भी कर रहा है, लेकिन अब ये आप काम ऐसे हैं, दो साल तीन साल के काम हैं, कोई ये चाहे कि बटन दबाए और एक मिनट में स्मार्ट सिटी बन जाए, वो संभव नहीं। देखिए, मैहर की सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं दल से ऊपर उठकर बात करना चाहता हूँ। मैहर में तीन तीन चार चार सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं और मैहर का मेरा ये नवयुवक रोजगार भाई बेरोजगार घूम रहा है। देखो, बेरोजगारी का मुद्दा है, सीधे सापा के पास आते, बिल्कुल आता हूँ सापा के पास, क्या कहना चाहेंगे बेरोजगारी पर? बेरोजगारी में तो हमारे साथ सारे लोग हैं। मैं थोड़ा संस्कार की बात करूंगा भाजपा के। बिल्कुल, 2013 के चुनाव में मुख्यमंत्री जी बदेरा आए थे, उस समय बम महाराज चुनाव लड़ रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभा से कहा था मैहर की जनता से कि भाई और बहनों, एक तरफ देवी का पुजारी है और दूसरी तरफ मूर्ति का व्यापारी है, अब निर्णय आपको करना है, क्या कर किसको करना है। और देखिए, वही आज भाजपा में आ गया तो संस्कारवान हो गया। और बेरोजगारी ये वादा करके 2013 में वादा करके वर्तमान विधायक कि हम क्षेत्र के लोगों को 80% रोजगार देंगे, लेकिन उसके चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यालय में एक बोर्ड लगा दिया, कृपया नौकरी मांगने वाले मुझसे ना मिले, ये था बेरोजगारी। सीधे भाजपा से इसका जवाब मांगेंगे, दल बदल की राजनीति बताई जा रही है कि जिस तरह से लोग कपड़े बदलते उस तरह से आपके नारायण त्रिपाठी ने पार्टियां बदली हैं, इस पर क्या राय है आपकी? सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के हमारे आदरणीय नेताजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनने जो अपना पहले स्टेटमेंट दिया कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने घोषणा का काम किया है, लेकिन इसकी स्वीकारोक्ति उनने खुद की कि यहाँ पर मिनी स्मार्ट सिटी का टेंडर मेरे बेटे को मिला है और इसलिए वो घोषणावीर नहीं है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने टेंडर लिया। ठीक है, व्यवसाय करना कोई भी व्यक्ति काम करेगा, व्यवसाय तो हर व्यक्ति को करने का हक है, पर मैं उस बात की का जवाब दे रहा हूं कि जो ये कहा गया कि मिनी स्मार्ट सिटी और अन्य प्रोजेक्ट घोषणा के हैं, तो उसका खुद ही उन्होंने जवाब दिया, मैं इस नाते उनका अभिनंदन भी करता हूं। सीधा आम आदमी पार्टी से रुख करेंगे। हमारे कुछ युवा बोले कि हॉस्टल कॉलेज में बहुत अच्छी व्यवस्था है, उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं है। उनसे पूछिए कि आज कितने दिनों से विवेकानंद कॉलेज खुला है, क्या उस कॉलेज के लिए बस है? उनसे पूछिए कि क्या वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, उन बच्चे और बच्चियों के लिए प्रॉपर बाथरूम है? उनसे पूछिए कि वहाँ उन लड़कियों के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी है? उनसे पूछिए कि वहाँ पे बाउंड्री वॉल है? इस तरह के तमाम मुद्दे। दूसरी बात, रोजगार की बात हुई, आज हमारे पास सर्वे है कि हर पोलिंग बूथ पर, पोलिंग बूथ की बात कर रहा हूँ, हर पोलिंग बूथ पर एवरेज ऑन एन एवरेज 6 बच्चे बेरोजगार हैं, कोई ITI किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है। दिल्ली में आपकी सरकार है, आपने कितनों को बेरोजगार को रोजगार दे दिया? हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। और सुनिए, डाटा, मैं डाटा पे ही बात कर रहा हूँ, 1200 करोड़ मैंने डाटा पे ही बात की और 600 करोड़ भी डाटा पे मैंने बात की, आप लोग डाटा पे बात नहीं करते हैं। और हम इस बार जो मध्य प्रदेश में इस बार जो है, आप सभी को गारंटी दे रहे हैं कि हम जो युवा बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार देंगे। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते व्यापारी व्यवसाय करने में असमर्थ है। और कोई सवाल? कोई सवाल सर? मैं आपका सवाल, हाँ चलिए आइए सर, आगे आइए, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। सर, मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ बातें बहुत हो रही हैं, आप ऐसा करिए, आप अपनी बेन लेके जाइए और मैहर में घूमिए, नाली है, मैं नहीं छोड़ूंगा, प्लीज लिसन टू मी, नाली देखिए, मैं CM हाउस को फोन करता हुआ नेटन में, नाली साफ करिए, आप जाइए और अपनी बेन से जाइए, पूरे चेक करिए, आपको सच्चाई मिल जाएगी। ये नगर पालिका काम है, ये बताइए मैं कौन, मैं कौन? बिल्कुल, सफाई को लेकर, सफाई को हाथ लिए, समाजवादी कुछ कहना चाहते हैं? भैया, ये BJP वाले यहाँ रोजगार की बात करते हैं, तीन तीन सीमेंट फैक्ट्रियां हैं यहाँ, यहाँ का गरीब आदमी बाहर काम करने जाता है, यहाँ के लोग रोजगार नहीं दे सकते? तीन तीन सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, यहाँ का आदमी
बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है, लेकिन रोजगार क्यों नहीं दे पा रही भाजपा? सीधा सवाल, शॉर्ट में जवाब चाहेंगे। सीमेंट फैक्ट्रियों की अपनी एक व्यवस्था है, उनके सारे विषय पर यह तय है कि हम सब लोग और सरकार ने, माननीय शिवराज जी ने भी इस बात का विषय रखा है कि हम सबसे पहले मध्य प्रदेश और स्थानीय लोगों को रोजगार देने का संकल्प दोहराया है, और इस तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थानीय लोगों की जो भी योग्यता के आधार पर उनको निश्चित रूप से रोजगार मिलता है। ये निश्चित रूप से तय है कि जितना बेरोजगार का विषय है उतने रोजगार किसी इतने फैक्ट्रियों में नहीं दिए जा सकते हैं, ये मैं आपसे कहता हूं। और लगातार माननीय शिवराज जी ने जितने भी डील किए हैं उसमें ये बात तय है कि उन्होंने पहले रखा है कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा करेंगे, और सरकार उस बात पर अड़े है। आम आदमी पार्टी कुछ कहना चाह रही है? भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया कि शिवराज जी ने कहा है कि हम प्राथमिकता देते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। इनसे पूछिए कि जो एमपीपीएससी या अदर जो गवर्नमेंट नौकरी निकलती है कितने बाहर वालों को उन्होंने अलाउ कर दिया है। पहले तो कम से कम एमपी वाले लोग भरते थे, अब बाहर के लोग भी आके नौकरी करते हैं, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने मैयर सीमेंट या इन्होंने जो है लोकल रोजगार, जो सीमेंट प्लांट के रोजगार की बात की, उसकी भी गाइडलाइन है कि 60% जो रोजगार है वो लोकल बंदों को दिया जाएगा। तीसरी बात, इन्होंने विधायक जी ने खुद कहा कि बच्चे समझदार हो जाएं, जरूरी नहीं है कि हम लोकल ही रोजगार दें, थोड़ा अपने आप को ब्रॉड करें और बाहर जाके नौकरी करें। ये एमपीजेवीपी पार्टी क्या कह रहा है बेरोजगारी पर? बेरोजगारी पर हमारा रुख साफ है, हमने ज्ञापन भी दिया था माननीय एसडीएम साहब को कि 50% हमारे क्षेत्र की जनता को, चूंकि जब यहाँ फैक्ट्री लगाते हैं यही कारोबारी व्यवसायी, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि हम अपने क्षेत्र को 60-70% जो यहाँ के बेरोजगार युवक है उनको रोजगार देंगे। उसके बाद जब ये समय निकल जाता है तो यूपी और बिहार के लोग न जाने कहाँ से यहाँ भट जाते हैं और हमारे क्षेत्र के लोग बेरोजगार रह जाते हैं। और तो गनीमत इस बात की है, तो बेरोजगार युवक तो ठीक ही है, उसके बाद जो मजदूर है हमारे घंटाघर में खड़ा रह जाता है और चाक घाट की लेबर वहाँ काम करती है, हमारे यहाँ काम नहीं मिलता, हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल बेरोजगार रहे आएंगे। लेकिन ये जो है यूपी और बिहार से पता नहीं कहाँ की खेप भरी पड़ी है। दूसरा, युवा रोजगार के अलावा युवा स्वराज की बात, स्वरोजगार की बात करूँ, मैं नितिन जी से बात करना चाहता हूँ। आप भाजपा के पार्षद हैं, आपको 25 लाख का लोन मिल जाएगा। यहाँ पे कोई खड़ा है जो नॉर्मल इंसान है, उसको अगर 25 लाख का लोन मिला हो तो? चलिए, आम जनता कुछ कहना चाह रही है, जनता से सीधा रुख करेंगे, क्या कहना? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे गांव में 3 साल जब से उपचुनाव हुआ तब से पोर्टल बंद कर दिया गया, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, शौचालय का, कुछ शौचालय बने जो पैसों से बनवाए उनका भी पैसा खा गए, ना शौचालय, आज तक कोई शौचालय नहीं बना, 6 किलोमीटर से बच्चियाँ जो है पढ़ने आती, आज तक साइकिल नहीं मिली गई, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो 8वीं से ज्यादा पास नहीं होते, 9वीं में जाते हैं फुस, तो उनको नौकरी क्या मिलेगी गरीबों को? है, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भी भारत जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी, जनता को क्या? हमारे गांव में डांडी गांव पास में है, विधायक जी इतना कहने के बावजूद कि लोगों को जो है तो ये जो पोर्टल बंद है सही करवा दीजिए, खाद्यान्न मिलने लगे, आज तक किसी कोई नहीं गया, अभी जब चुनाव में गए तो बोले कि हमसे किसी ने बताया नहीं, जबकि बीसों बार लोग एसडीएम के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, जिला में जो पंचायत अध्यक्ष उसके पास गए, लेकिन अभी तक जाके देख लीजिए, पता करवा लीजिए कि अभी तक लोगों का, पूरे लोगों खाद्यान्न, सब लोगों खाद्यान्न अभी भी नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आईटी की बात करने वाली भाजपा पोर्टल चालू नहीं करवा पा रही है, बच्चों को साइकिलें मुहैया नहीं करवा पा रही है, ऐसे आरोप है। और कुछ कहना चाहते? हाँ बताइए। चलिए, एक महिला है, क्या सवाल है माजी आपका? नारायण त्रिपाठी जिंदाबाद, नारायण त्रिपाठी जिंदाबाद। चलिए, कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी के जिंदाबाद का किनारे लग रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे, एक महिला है, महिला सुरक्षा को लेकर मैहर में किस तरह के इंतजाम आते हैं? नारायण त्रिपाठी जिंदाबाद। चलिए, कहीं ना कहीं अनुयायी, हाँ जनता जनार्दन कुछ कहना चाह रही है। चलिए बताइए, हाँ बताइए, स्वागत है, स्वागत है, बताइए। नहीं, कैसे स्वागत है? पहले आपने उन लोगों, भारतीय जनता पार्टी सबको खड़ा किया, हमको क्यों नहीं खड़ा किया? आप बोलिए, हमसे वार्तालाप करने के लिए क्यों नहीं खड़ा? चलिए, गोड, आइए सर, स्वागत है आपका, आइए सर, आइए, स्वागत है आपका, आइए, स्वागत है आपका। सीधे सीधे हमारे साथ गोडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल लगते हैं। गोड, अगर मैहर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य वोट हैं, कोल समाज के हैं,
किन मुद्दों को लेकर जमीन तराशती नजर आ रही है यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी? हम ये भारतीय जनता पार्टी का जो कारनामा है वो 15 साल से उनका सम्राट है, उसी बीच में हमने इस क्षेत्र की जनता की आवाज को लेकर और मध्य प्रदेश में पहुंचाने के लिए हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी लोग कह रहे हैं आपके सामने स्थानीय मुद्दे, ये अभी देखना नहीं चाहते कभी भी। हम कहते हैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में है, हम चलिए अपने क्षेत्र में बताते हैं। एक रुपया का अगर विकास किया हो, एक नए पैसे का कोई आधारशिला रखा हो तो वे बात करें हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी मतलब सुनिए, रही क्षेत्र के विकास की बात और यहाँ के युवा रोजगार की बात और कॉलेज की बात, अभी लड़के ने जो लड़के ने कहा कि यहाँ सारी सुविधा है, यहाँ कौन सा ऐसा इतना बड़ा कॉलेज खोल के रखे? यहाँ का लड़का जो है भोपाल और दिल्ली जाता है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के रखा है? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बात करती, किसानों के लिए इतने बड़े वादे किए हैं मुख्यमंत्री महोदय ने, आज तक कोई किसानों का निभाया हो तो हमें बता दे कि ये क्या, हम किसान है असली, वो नहीं है अपने आप को किसान की बहसियत। आपके सवाल का जवाब सीधे भाजपा से मांगते हैं कि इन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए कोई विकास नहीं किया भाजपा ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा लेके और सारे समाजों का विकास करने का काम किया है। उन्होंने उन्होंने किसानों की बात करी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 15 रुपए 14 रुपए किलो का बिकने वाला गेहूं शिवराज जी ने 2000 रुपए क्विंटल में बोनस देके खरीदा है, पिछले वर्ष के गेहूं और धान का 200 रुपए क्विंटल का बोनस दिया है, किसानों को सब्सिडी रेट में और विद्युत की सप्लाई दी जा रही है, विद्युत की बताइए बताइए। आप जमीन में चल के देखिए कि किन किसानों को कितना मिला है, वो चीन चीन के आदमियों को दिए हैं, चीन चीन आदमियों को मुआवजा देते हैं, चीन चीन आदमी को चेहरे देखकर मुआवजा मिलता है। एक सेकंड, क्या पूछा? चेहरे देखकर भाजपा सरकार मुआवजा देती है, अपने वालों को देती है। मेरा आधार आरोप है हमारी, एक मिनट, हमारी सरकार सीधे मुआवजे की राशि किसान के खाते में डालती है। अब इसमें चेहरा देखने का कौन सा विषय है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, श्रीमान जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास की कोई आधारशिला नहीं रखी, यहां पर पहले केवल एक मैहर का सीमेंट प्लांट होता था, आज केजेएस का सीमेंट प्लांट हो चाहे रिलायंस का सीमेंट प्लांट हो, वो मैहर के विकास की धारा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों बने। प्रतिनिधियों के बाद जनता जनार्दन का रुख करते हैं, कुछ जनता कुछ कहना चाह रही, आ रहा हूं मैं आप पे, आइए आइए कॉर्नर, चलिए बताइए। सर, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के वक्ता ने कहा कि विकास का मुद्दा है कि यहाँ सीमेंट प्लांट बनाया गया, तो यहाँ मैयर का युवा बेरोजगार कैसे हो गया? जब यहाँ विकास तो किया गया लेकिन बेरोजगार कैसे हो गया, जो इन्होंने कह रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि यहाँ कई मुद्दे थे, जो हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, तो चलिए मैं दिखाता हूँ डॉक्टर के हॉस्पिटल क्या है। सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल से पैसे लेते हैं, तरखा है गवर्नमेंट से, और प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। एक बेटा मेरा भी स्पायर हुआ था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डॉक्टर की लापरवाही से 3 घंटे डॉक्टर लेट आया था। और यहाँ बात है टीचरों की बात, समय पर सभी शिक्षक नहीं मिलते हैं, समय पर कभी टीचर जाते ही नहीं है, और जो टीचर है तो विद्यार्थी शिक्षक पोस्ट पे है, प्रोफेसर नहीं है कॉलेज में, और जो सामुदायिक केंद्र खोले गए हैं छोटे छोटे से, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, नर्स ही नहीं है, तो कैसा विकास की बातें करते हैं? बिल्कुल, कॉलेज और स्कूल में शिक्षक नहीं है, अतिथि विद्वानों पर काम चल रहा है आरोप। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? आगे आइए आप, आगे आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ ये बताइए। कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाए, जिसे पब्लिक अपना आशीर्वाद दे वो कमियां हो उसे दूर करे, बस हो गया। कमियों को दूर करें, कौन कौन कमी को दूर करेगा? जनता जनार्दन से पूछे, चलिए यहाँ कुछ छात्र आइए आगे आइए आइए, कुछ कहना चाहते बताइए। भाजपा सरकार ने सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है, और जो विरोधी बोल रहे हैं ये गलत है, कोई कमी नहीं है, रोजगार भी सब कुछ सही ठीक ठाक चल रहा है, और उनको वोट लेने का अधिकार भी है, और वही लोग जो बोल रहे हैं वो देखे पहले दिखाए फिर वोट ले। चलिए कुछ जनता द्रुप करते हैं, बताइए क्या सवाल है, बताइए। मैं स्थानीय स्तर पर तो बहुत मुद्दे उठ गए, मैं मध्य प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम कांग्रेस सरकार आएगी कि वो प्रदेश की व्यवस्था को पटरी पर ला देगी, तो अभी वो किस अव्यवस्था पर है ये बताएं, और कैसे पटरी पर लाएंगे? बिल्कुल, मैं आपका सवाल दागूंगा, क्या कहना चाहते हैं आप? भैया, मैं सबसे पहले मैयर के लिए ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी आम आदमी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये जरूरी है,
तो मैहर में मैं ये चाहता हूँ कि जो डॉक्टरों की संख्या है वो बढ़ाई जाए, स्पेशली स्किन के, आँख के और हड्डियों के डॉक्टर बढ़ाए जाएं। दूसरी चीज कि अपराधियों में कानून का खौफ होना चाहिए। और तीसरी चीज, तीन तीन यहाँ कंपनियां हैं, यहाँ के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल सीधा सवाल डालते हैं कांग्रेस प्रतिनिधि से। हमारे एक भाई का आरोप है अंकल जी का कि कांग्रेस कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम बदलाव लाएंगे, यहाँ की व्यवस्था चेंज करेंगे। तो अभी कांग्रेस किस व्यवस्था में है? देखिए, जहाँ तक बदलाव का सवाल है, आज किसान, मजदूर, व्यापारी, नौयुवक, हर वर्ग परेशान है। इनकी सबकी परेशानी दूर करने का कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है और बदलाव लाकर इन सबका सुधार होगा और इनका सबका भविष्य सुरक्षित होगा। भाजपा से एक सवाल आया है कि मैहर में जो डॉक्टर के हड्डी विशेषज्ञ हैं वो नहीं है, डॉक्टर घर पे प्राइवेट क्लिनिक के चलाते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए, कितने आरोप सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है, मुझे यह स्वीकारते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जितना कस्बा है हमारा और बाहर से भी यहाँ पर दर्शनार्थी माता रानी की दर्शन के लिए नित्य आते हैं, निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि हमारे यहाँ और भी डॉक्टर्स होने चाहिए। और हम लगातार इस मामले में माननीय स्वराज जी ने और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको कहा है कि जैसे ही डॉक्टर की उपलब्धता होती है, पर कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन में तुरंत हमारे पास सतना में बिड़ला और सतना का जो जिला अस्पताल है वहाँ पर हम निश्चित रूप से उनकी सुविधाएँ ले रहे हैं, इस बात को मैं स्वीकारता हूँ। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में जो बात कर रहे हैं बदलाव की, कौन से बदलाव की बात? उस जमाने के सड़कों की बदलाव की बात कि जहां पर 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 1 घंटे लगते थे, उस समय के बिजली की बदलाव की बात कि जहां पर केबल फोन की चार्जिंग के लिए एक एक 24 घंटे इंतजार करना पड़ता था, किस बदलाव की बात? जहां पर न किसानों के लिए कोई बोनस का व्यवस्था थी, न कोई अनुदान की व्यवस्था थी, इस बदलाव की बात? किस बदलाव की बात? जहां पर मुख्यमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश के सारे बुजुर्गों को, सारे धर्म के लोगों को तीर्थ दर्शन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से उनका श्रवण कुमार बनकर काम करने का प्रयास किया है, उस बदलाव की बात? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 100 से 150 आवास बने ना हो, ऐसा कोई नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है जहां पर गरीबों को विचार करके हमने रोटी के लिए अनाज, शिवराज की सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का कार्ड, संबल योजना में 200 रुपए महीने की बिजली की व्यवस्था, सारे गरीब लोगों के बिलों की माफी का प्रकरण और एक एक आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास देकर और गरीब जनता जनार्दन की सेवा करने का प्रयास किया है। हम इस विकास के साथ, भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ, विकास के मुद्दे को लेके और जनता के बीच में जाएगी। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार भी बनाएगी और हम मैहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी को फिर से यहां चुन के भेज, चौथी बार सरकार बनाएगी। एमपी जेबीवी के पास कुछ कहना चाहते हैं? जय भैया मिश्रा जी, ये बताइए, अगर ये कहा गया 8 नवंबर की रात से 8 बजे से लोग नोट जो है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो सरकार ने कहा कि आवास योजना के लिए जो पैसे दिए गए थे, सरकार माई बाप है, उसी टाइम से सरकार माई बाप है और बैंक में ये कह दे कि 1 लाख 1.5 लाख जो भी पैसा देने वाली है आवास योजना के लिए, आज रात 8 बजे सबके खाते में गए, तो क्या हो, वो सबको संसाधन मिल जाए। लेकिन किसको 20,000, किसी को 10,000 और इसी तरह जो ये रोजगार के लिए पैसा मिलता है व्यवसाय के लिए, तो अंधा वाटे रेबड़ी और चीन चीन कर दे, ये है भाजपा की नीति। बिल्कुल, हमारे पास समय की कवायद बहुत कम है, हम अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर जो भी वक्ता मौजूद थे उनको एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बीजेपी से कमलेश सुहाने जी थे हमारे साथ, कांग्रेस से संत राम सिंह चौहान जी थे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से इंद्रपाल सिंह जी थे, इसके समाजवादी पार्टी से सुरेंद्र तिवारी जी थे, आम आदमी पार्टी से पुष्पेंद्र सिंह जी थे और एमपी जेबीपी से खुद विपिन पांडे जी मौजूद थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अब की बार किसकी सरकार में मैहर विधानसभा की तासीर, लेकिन आगामी 11 दिसंबर को रिजल्ट बताएंगे कि प्रदेश में होगा कांग्रेस का राज या शिवराज सरकार फिर से पहनेंगे ताज। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।